और इस बीच आपको हरिद्वार का रुख करवाते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। क्षेत्र में जिन्होंने एक अनुसंधान किया है पिछले दिनों, कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में, हमने एक बैठक रखी थी देहरादून में पूरी सरकार के साथ। उसमें मैंने, आपने देखा कि कितने नाना प्रकार का अनुसंधान आपने किया है। ऐसे श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी, आज उनका जन्मदिवस है, मैं इस उनके आज के जन्मदिवस के अवसर पर उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे। और जैसा सोमा जी ने यहाँ से कहा कि आज इतना बड़ा विशाल, मैं कहूँगा कि विशाल क्षेत्र उन्होंने, जिसका निर्माण श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने मिलकर किया है, वास्तव में किसके लिए किया है, यह भी एक शोध का विषय है। मैं तो सोमा जी से कहूंगा, दीदी अगली बार आप अपनी किताब में जो है इसको भी उद्घाटित करिए, इस बात पर सबको तालियां बजानी चाहिए। मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, स्वामी दामोदर दास जी बड़ा अखाड़ा, स्वामी कमलदास जी उदासीन अखाड़ा, भाई सुरेश राठौर जी हमारे पूर्व विधायक, भाई संजय गुप्ता जी हमारे पूर्व विधायक, और हमारे समस्त मंचासीन सभी पूज्य स्वामीगण, पूज्य संतगण इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में, पतंजलि योगपीठ, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए और पूरे देश भर से आए हुए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। आज हम सभी के प्रिय महान ऋषि परंपरा के अनुगामी जड़ी बूटी के परम ज्ञाता और इनका प्रचार प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है, मैं उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कहते हैं आयुर्वेद के महान मर्मज्ञ महर्षि चरक ने कहा, स्वतस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आज मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को एक एक अक्षर सह उसको सिद्ध कर रहा है, इसलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों को हृदय से नमन करता हूं। जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, पूज्य माता जी भी बैठी थी चली गई, जो कह रही थी कि राम और कृष्ण जब हो तो यहाँ पर चली गई ना माता जी, और माता जी इतनी आज प्रसन्न देख रहा था मैं, माता जी को प्रसन्नता देखकर, उनकी इस आयु में भी उनके अंदर जो जज्बा देखकर कि सच में महान हो माँ जिन्होंने अपनी कोख